रहस्यमय ढंग से बच्चे के कान से निकल रहे लोहे के टुकड़े। मोट कोतवाली के समीपवर्ती ग्राम भमरेली में एक चकित कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 8 साल के बच्चे के कान से लोहे के टुकड़े निकल रहे हैं। कोई इसे चमत्कार तो कोई तंत्रमंत्र का नाम दे रहा है। बच्चे का झांसी तक इलाज हुआ लेकिन उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। मोट कोतवाली के निकट ग्राम भमरेली में रहने वाले आकाश यादव के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा 8 साल का प्रशांत अजीबोगरीब बीमारी से ग्रसित है। शशि यादव ने बताया कि उसके पोते की उम्र 8 साल है। आज से 6 दिन पहले बच्चे ने बताया कि उसके कान में दर्द हो रहा है। जब देखा तो अचानक उसके कान से जंग लगा लोहे का टुकड़ा निकला, जिसे देखकर वो अचंभित हो गई। परिजनों ने तत्काल उसे मोट सीएससी में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टर ने उसे झांसी के लिए रेफर कर दिया। झांसी में भी डॉक्टर इस केस को देखकर अचंभित हो गए। इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे सके। तब से बच्चे की यह हालत है। लगातार उसके कान से जंग लगे लोहे के टुकड़े निकल रहे हैं। शुरुआत में टुकड़े छोटे थे लेकिन अब इनका आकार बढ़ता जा रहा है। जैसे ही इसकी जानकारी गांव में फैली तो गांव के लोग अवकाश यादव के घर आने लगे। लोगों की आंखों के सामने बच्चे के कान से लोहे के टुकड़े निकलते हैं, जिसे देखकर गांव के लोग अचंभित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने इसे चमत्कार और तंत्र मंत्र का नाम देना शुरू कर दिया है। गांव के ही निवासी बापू ने बताया कि जैसे ही गांव में यह खबर फैली तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब अपने लोग आंखों से देखे तो सभी ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। इस घटना से बच्चा काफी डर चुका है और खाना पीना छोड़ चुका है और कमजोर हो गया है। गांव के लोग 8 साल के प्रशांत और उसके परिजनों का हौसला बना रहे हैं, लेकिन ये सब बात सबकी समझ से परे नजर आ रही है। फिलहाल बच्चे के कान से जंग लगे लोहे के टुकड़े निकलने का दावा किया जा रहा है और लोग इसे चमत्कार का नाम दे रहे हैं। पूरा माजरा क्या है ये तो किसी पुख्ता जानकारी के बाद ही साबित हो सकेगा। उक्त जानकारी बच्चे के परिजन और ग्रामीणों ने हमें दी है और हम इसकी पुष्टि नहीं करते। डॉक्टर केशव आचार्य गोस्वामी की इस वक्त की खास रिपोर्ट। माजरा क्या है ये तो किसी पुख्ता जानकारी के बाद ही साबित हो सकेगा। उक्त जानकारी बच्चे के परिजन और ग्रामीणों ने हमें दी है और हम इसकी पुष्टि नहीं करते। डॉक्टर केशव आचार्य गोस्वामी की इस वक्त की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? शशि यादव, भबरौली। अच्छा, ये क्या आपको जो नाती है, कौन है आपको? नाती है। क्या नाम इसका? प्रशांत यादव। क्या हो गया इसको? कुछ नहीं, ना कोई दर्द भाव ना कछु, बस जी कान में से जी कंकड़ निकला, 6 दिन हो गए। काय के हैं जी कंकड़? जानकारी है? हाँ, लोहे की है, चुम्बक में चिपक रहे। चुम्बक चिपक रहे, 6 दिन से निकल रहे हैं। फिर आपने उनको दिखाया नहीं है? दिखाया, जहाँ पहले मोठे ले गए फिर झांसी ले गए। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर कह रहा पहले 20 साल से हम इलाज कर रहे हैं, पहले की से ऐसा। फिर क्या करा उसने? कछु नहीं बोले, कुछ नहीं है, अब नहीं आना आप। फिर जब से क्या है, बच्चे को आराम मिल गया? बिल्कुल आराम नहीं है, ऐसे ही निकल रहे जैसे निकल रहे थे। लगभग कितने निकल चुके होंगे ऐसे? 250 ग्राम कम से कम निकल चुके। निकल चुके अभी? हाँ। कितने दिन में? 6 दिन में। क्या चाहती हैं आपका, कैसा होना चाहिए? क्या तो बच्चा सही हो जाए और हमें क्या करना? आपको क्या लग रहा है ये क्या चीज़ है? जाने, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्या है जी, क्या नहीं है।